क्या होगा अगर मैं टाइटन थानोस और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? एमसीयू का मैं टाइटन थानोस या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टेज से बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और थानोस दोनों भी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव एंटीवर्स से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे करेक्टर हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया, पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का, और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझ कर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है जहां पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है, मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल करेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक करेक्टर को मार डाला था ये सोचकर कि मरने के बाद वो करेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की, तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के एथलीट से ज्यादा स्ट्रांग है और कॉमिक्स में इवन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब वो किसी सुपर हीरो या सुपर विलन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां, डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और इस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास इनहांस स्पीड भी है जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश
के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है, और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो की हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है, और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं थानोस की, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थानोस एक मैड टाइटन है, जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने और यूनिवर्स को बचाने के लिए दो दो बार मरा। थानोस यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को बिना किसी भेदभाव के मारना चाहता था, और बाकी एवेंजर्स को उसका ये आइडिया उतना भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने उसका नाम मैड टाइटन रख दिया। बात करें कुछ पावर्स की, तो थानोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है, जिसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन भी मिल जाए तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती है, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद करके उसे रोता रहता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है, और कभी भी यहाँ से आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता, और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना, और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस के पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना ज्यादा मास्टर है तुम एंड गेम में देख ही सकते हो, जब उसने दो ही सेकंड में हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी, थॉर को ऑलमोस्ट मार डाला था, और कोई भी एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ये थी थानोस की पावर्स, और थानोस और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, और वो गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ थानोस एक मैड टाइटन था, जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था, और उसने मार भी डाला था, जिसके लिए वो दो दो बार मरा, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था, और उसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाई लड़कर करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन भी दे दिए जाए तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाते हैं, जिससे वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है, और पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। थानोस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डेडपूल पर अटैक करेगा, पर डेडपूल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और अगर इवन थानोस अपनी टू एज स्वॉर्ड से डेडपूल के सर तक को काट भी देता है, फिर भी डेडपूल नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। और क्योंकि डेडपूल को कभी भी किसी भी टाइप का कोई दर्द भी महसूस नहीं होता, इसलिए डेडपूल ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ थानोस पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, वो भी मर सकता है, और उसके पास रीजनरेशन की पावर भी नहीं है, और इसीलिए अगर डेडपूल का एक हिट भी सही से कनेक्ट होता है, तो डेडपूल का एक सिंगल हिट तक थानोस की जान ले सकता है। थानोस एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है, जो कि बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक्स में मास्टर है, पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता, और इसी वजह से डेडपूल के किसी भी ओपोनेंट के लिए उसके किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी की वजह से डेडपूल बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स तक से जीत चुका है, जो कि उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो उसके किसी भी मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और इसी की वजह से डेडपूल पूरे मार्वल यूनिवर्स और वहां पर मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर को मार पाया था, जिसमें थानोस भी शामिल था, क्योंकि कोई भी उसकी किसी भी मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता था। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में थानोस डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और डेडपूल कभी भी थानोस की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। पर इन सब चीजों के बावजूद कॉमिक्स में कई बार फाइट होने पर डेडपूल थानोस को इजीली हरा चुका है, क्योंकि डेडपूल कब क्या करेगा ये कोई नहीं सोच सकता। ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज्यादा लंबी भी चलेगी, पर थानोस ना ही डेडपूल को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि डेडपूल थानोस को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तो डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल ही। पर क्या हो अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या फाइट का रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थानोस रियलिटी तक को मैनिपुलेट
कर सकता है और अपने एक स्नैप से डेडपूल को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकता है और डेडपूल की सोल को सोल वर्ल्ड में भी ट्रैप कर सकता है, जिससे थानोस बगैर अपनी जगह से हिले डेडपूल को मारकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। बात करें एंड रिजल्ट की तो फाइट का रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं या नहीं, क्योंकि अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तो इस फाइट को डेडपूल ही जीतेगा, पर अगर हैं तो इस फाइट को थानोस ही जीतेगा। और अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है तो डेडपूल इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।